मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति के जरिए नूपुर शर्मा के विवाद को लेकर मुस्लिम देशों को तगड़ा झटका दिया है। विदेश नीति के जरिए दुनिया के ताकतवर देश भारत का लोहा मान रहे हैं। पैगंबर विवाद पर अकड़ दिखा रहे थे 57 मुस्लिम देश, पीएम मोदी ने घर में घुसकर मचा दिया तहलका। नूपुर शर्मा के बयान पर चिल्लाने वाले मुट्ठी भर लोग इस खबर को देखने के बाद सदमे में चले जाएंगे। जो लोग कह रहे थे मुस्लिम देशों से मोदी डर गए, इन देशों को ऐसा सबक सिखा दिया गया है कि अब आप भी कहेंगे मोदी जी रहम करिए। दुनिया को अब ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान और चीन की तरह भारत दगाबाज नहीं है। भारत अगर अपनी पर आ गया तो दुश्मन को कभी भी किसी भी वक्त धुआं बना सकता है। मोदी जब जर्मनी पहुंचे तो अचानक से दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी पीएम मोदी के पीछे भागने लगे। तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत में मोदी की हार के इंतजार में जो लोग बैठे हैं वो भी देख लें मोदी कैसे दुश्मनों को भी अपने कदमों पर लाकर खड़ा कर दिया है। नूपुर शर्मा के विवाद को लेकर मुस्लिम देशों में प्रदर्शन और बवाल खूब हुआ था। कतर जैसे देश तो माफी मांगने के लिए भी मजबूर कर रहे थे, लेकिन अब सबका बदला एक बार में पीएम मोदी ने खुद घर में घुस कर दे दिया है। पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात पहुंचते ही आधे मुस्लिम देश गहरे सदमे में चले गए हैं। मोदी जब G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत से जर्मनी के लिए उड़ान भरी थी, उससे पहले ही मोदी के मन में एक सवाल था। वो सवाल ये था कि आखिर मुस्लिम देशों को कैसे जवाब देना है। मुस्लिम देशों को तो जवाब दिया ही, लेकिन इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन में जो हुआ उसे देखकर दुनिया भी दंग रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर दुनिया हिल गई। मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हंस हंसकर बात कर रहे थे। मोदी के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खड़े थे। तभी बाइडेन ने मोदी के कंधे पर भाई की तरह हाथ रखा और खुद मिलने पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब मोदी से मिलने के लिए बड़े बड़े देशों के नेता लाइन में खड़े दिखे। अमेरिका को भारत के पीछे दौड़ता देख लोग कह रहे हैं कि अब विश्व गुरु अमेरिका नहीं भारत होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जो बात कही उसकी वजह से मुस्लिम देश सदमे में आ गए हैं। इशारों में मोदी ने कह दिया है कि अब मुस्लिम देशों से धीरे धीरे भारत तेल का व्यापार खत्म कर देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब पैगंबर विवाद के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मुस्लिम देशों से दोस्ती कर रहे थे, लेकिन नूपुर शर्मा विवाद को लेकर मलेशिया और इराक जैसे देशों ने भारत के साथ दगाबाजी कर दी। भारत का सबसे गहरा और अच्छा दोस्त संयुक्त अरब अमीरात है। ये देश हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। हिंद महासागर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम देश है, लेकिन भारत के साथ हमेशा वफादार रहा है। इसलिए भारत अपने रिश्ते भी बढ़ा रहा है और मोदी खुद मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर बाकी मुस्लिम देश भी परेशान हो गए हैं, खासकर जिन देशों से भारत का सबसे ज्यादा व्यापार है। इन देशों को डर है कि भारत ने अगर हाथ खींच लिया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। नूपुर शर्मा विवाद के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मुस्लिम देश में घुसकर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने वाले मुस्लिम देशों को संदेश दे दिया है कि अगर भारत की तरफ देखोगे तो हाथ में सिर्फ बर्बादी हासिल होगी। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।